नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 75 लाख रुपया मुझे कंपनी के स्टॉक को सेल करने के बाद मिल रहा है, तो उस 75 लाख से एक फ्लैट खरीद लूँ या इस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ। क्वेश्चन इस तरह से है कि बेंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, 75 लाख रुपया उसी कंपनी के स्टॉक में पैसा जमा हो रहा था, 10 से 15% मंथली जमा हो रहा था पैसे, तो वहाँ से अब लगभग 75 लाख रुपये मिलने जा रहा है, तो क्या इस 75 लाख से कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ या इस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ। तो इसका आंसर इस वीडियो में देखते हैं। जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे उस स्टॉक को सेल करने के बाद 75 लाख रुपये मिल रहा है। किसी दूसरे की ज़िंदगी में 75 लाख रुपया बिजनेस का इनकम हो सकता है, रिटायरमेंट का पैसा हो सकता है, कोई भी पैसा हो सकता है, 75 लाख रुपया है। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका जवाब था एक प्लॉट तो हमारा काफ़ी दूर है, तो उस प्लॉट में ना रह के उसको रेंट पे लगा के हम यहाँ पे ऑफिस के पास कॉर्नर वाले फ्लैट में यहाँ पे रह रहे हैं आराम से, और उनका रेंट 2500 रुपया पर मंथ है। जबकि इसी फ्लैट को अगर खरीदूँ तो 75 से 80 लाख रुपया लगने जा रहा है। तो मैं यहाँ हमेशा बोलता हूँ ना कि जो चीज़ हम नहीं खरीद सकते हैं उनको आप इन्वेस्टमेंट के पैसे से खरीदिए। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 75 लाख 80 लाख रुपया एक बार लगा देना प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। पूरे ज़िंदगी का पैसा यहाँ पे एक बार में झोंका जा जाता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो जॉब कर रहे थे लगभग 12 साल पैसा इन्वेस्ट होता रहा सैलरी का 15%, तो 75 लाख रुपया जमा हो गया। अब इस पैसे को अचानक से आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और वहाँ रहते हैं तो बहुत बड़ा बवंडर होगा फाइनेंशियली। मैं ये बोलता हूँ इस 75 लाख को 10 साल वेट कीजिए। 10 साल वेट करते हैं और अच्छे म्यूचुअल फंड में अलग अलग डाइवर्सिफाइड करके लगा देते हैं। मात्र 13% का सेफेस्ट कैलकुलेशन करूँ तो 2.5 करोड़ रुपया बनता है। कैलकुलेटर पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इस 75 लाख को 10 साल के लिए 13% के रेट से 2 करोड़ 54 लाख रुपया होता है, पर यदि गलती से 15-16% मिल जाए तो 3 करोड़ 30 लाख होता है। कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से 13 ही पकड़ते हैं, 2 करोड़ 54 लाख रुपया हुआ। जब ये 2 करोड़ 54 लाख रुपया हो गया तो आपका क्वेश्चन होगा, बेहतरीन गोल्डन क्वेश्चन होता है कि प्लॉट का फ्लैट का रेट भी तो बढ़ेगा, क्या बात कर रहे हैं, पैसा भी तो बचेगा, रेंट भी तो बच जाएगा। मतलब बहुत तरह का कैलकुलेशन है। वो बेंच पे, पीछे वाले बेंच पे जब बैठते हैं ना मैथ के क्लास में, मैं सबसे आगे बैठता था 98% मैथ में, 12th में, और 10th में 94%। आगे वाले बेंच पे जो बंदा बैठता है ना उनको ये सब डाउट नहीं होता है कि रेंट की भी पैसा बच जाएगा और प्रॉपर्टी का दाम भी तो बढ़ेगा। तो ये बात बताइए, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, कॉर्नर के ब्रांच पे उन लोन पे क्यों है, मतलब रेंट पे क्यों है, वो सबको बांट रहे हैं, 1 करोड़ तुम ले लो घर खरीद लो, 1 करोड़ तुम भी ले लो, अच्छा आप बड़ा आदमी है आप 5 करोड़ ले लीजिए, आप फ्लैट खरीद लीजिए। ऐसे क्यों रह रहे हैं, रेंट पे फ्लैट खरीद लीजिए, खुद क्यों नहीं खरीद रहे हैं। कॉर्नर का ब्रांच 40 साल से रेंट पे है, आने वाले 200 साल तक रेंट पे ही रहेंगे। एक अपने को भी होम लोन दे सकते हैं ना, 5 करोड़ का या 4 करोड़ का, 2 करोड़ का, जितने का भी है, जिस शहर में, हर शहर में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो रेंट पे ही है, बाकी सबको लोन बांट रहे हैं। क्यों, उसको खोपड़ी नहीं है, उसको कैलकुलेशन नहीं आता है। कैलकुलेशन किसको आता है सबसे ज़्यादा पता है, जो मैथ के क्लास में सबसे पीछे बेंच पे बैठते थे उनको कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा आता है कि रेंट का भी पैसा बचेगा, प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ेगा, इस तरह से नौटंकी चलता है। कितना बढ़ेगा इसमें सीधा सीधा लाइन पे देखेंगे, 75 लाख का चीज़ जो भी शहर में आप रहते हैं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी, 10 साल के बाद 3% से ज़्यादा रेट नहीं बढ़ने वाला है फ्लैट का। तो 3% के रेट से ये पैसा 1 करोड़ रुपया हो जाता है। एकदम जाके कैलकुलेटर पे देखेंगे कि 75 लाख रुपया का चीज अभी नहीं खरीदे, 10 साल के बाद 3% के रेट से 1 करोड़ रुपया लगभग हो जाता है। उस 1 करोड़ का जब हो जाएगा तो उस समय इसी पैसे से खरीद लेंगे, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो 2 करोड़ 54 लाख में 1 करोड़ माइनस कर दिया तो बच गया 1 करोड़ 54 लाख रुपया। अब कॉपी कलम लेके बैठिए और 10 साल में जोड़िए कि रेंट 1 करोड़ 54 लाख रुपये दे रहे थे क्या, जोड़ के देखिए, तो आँख का ना तीसरा आँख खुल जाएगा, तो चार पैग लगाए तो खत्म हो जाएगा,
एकदम लगेगा कि भाई ये क्या कैलकुलेशन है, इतना पैसा हो सकता है क्या? मुझे काफ़ी सारा फोन आता है, ये जो आप कैलकुलेशन बनाते हैं सच में होता है क्या? मतलब सपना तो नहीं है, हवा तो नहीं है, मतलब इस तरह से बोलते हैं लोग। आप जब खुद से टक 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 कैलकुलेट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा अरे सच में ये तो 15-15 हज़ार रुपया करने से 15 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाता है। कभी तो 1 करोड़ वाला फिगर सोचे ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाए, लाखों लाखों में घूमते रहे, ये तो सच में 1 करोड़ रुपया हो रहा है। तो खुद से जब कैलकुलेट करेंगे तो बात वही समझ में आता है। बोलते हैं ना पैसे से पैसा बनता है, तो पैसे से पैसा कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा, जहाँ पैसा है वहीं बनेगा। आप कहीं भी लगा देंगे तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप 10 साल में 1,54,00,000 रुपया सरप्लस जो है आपके पास बच जाएगा, और जब ऐसा पैसा बच जाएगा कैश में, वाइट में, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आप जानते हैं मैं हमेशा या तो वेल्थ के बारे में बात करता हूँ या तो हेल्थ के बारे में बात करता हूँ। मैं हमेशा एक किसान के बारे में बोलता हूँ, उनके प्रोडक्ट गुलकंद हनी के बारे में बात करता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी बार उसको परचेज किया है। जो किसान इस बेहतरीन प्रोडक्ट को बनाते हैं उनका एक दिन फ़ोन आता है, बोलता है राजू जी आप ना सप्ताह में 15 दिन में एक वीडियो डाल दीजिए, आप जैसे ही बोलते हैं ना 80-90 पीस बिक जाता है और हमारा उस महीने का जीवन यापन हो जाता है। तो ये स्थिति हो गया है हमारे देश में। आप याद कीजिए जब एक शहर में 3-4 जगह सब्जी का दुकान और फल का दुकान होता था, आज कहीं आपको फल का दुकान नहीं मिलेगा। मैं शिमला घूमने गया था, 15 किलोमीटर घूमा, मुझे फल का दुकान नहीं मिला। मजबूरी में एक केला 6 पीस मिला, वो भी 2-3 दिन पुराना, वही लेके खाया, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं नाश्ते में फल ही खाता हूँ, तो मुझे नहीं मिला। आप पूरे शहर में घूमिए, कुरकुरे का, मैगी का, हल्दीराम का, भुजिया का, ये पैकेट मिलेगा, लेकिन फल का दुकान नहीं मिलेगा। तो आज किसान का हालत ऐसा ख़राब हो चुका है कि धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और डिस्ट्रॉय करने के लिए मोगेम्बो तैयार भी हैं। तो इस तरह से आप मेरे कहने पे मुझे थोड़ा सा भी मानते हैं ना, मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी लाइक करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, तो एक ऑर्डर ज़रूर कीजिए। ऑर्डर करने के बाद आपको अच्छा लगे तो 5 स्टार देना है। 5 स्टार देने से होता क्या है कि अमेजोन पे मान लीजिए 200 प्रोडक्ट बिका और 200 लोगों ने 5 स्टार दे दिया, तो अमेजोन खुद से उनको अब एडवर्टाइज करेंगे अलग अलग जगह, क्लाइंट को वो रिकमेंड करेंगे अगर 5 स्टार देते हैं तो। मैं ये बोलता हूँ जब अच्छा लगे तभी देना है, नहीं अच्छा लगा है मत दीजिए। इस प्रोडक्ट को आपको ख़रीदना है तो अमेजोन के लिंक में जाके आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। मधुमृत गुलकंद हनी लगभग 800 रुपये का 1 kg आएगा, लेकिन यकीन मानिए ये एक स्वीट्स के तरह है। जब आप ये घर में रख लेंगे ना तो आपको कोई और स्वीट्स खाने का मन नहीं करेगा। जब से मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जाना हूँ मेरे घर में फ्रिज में कोई स्वीट्स नहीं रहता है, यही रहता है। एक खरीदता हूँ 800 रुपये का, लगभग 15 दिन चल जाता है, खाने के बाद एक चम्मच खाया मिठाई खाने का मन नहीं करेगा। तो एक बार प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए और 5 स्टार दे के रखिए। कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में कहना हो सकता है कि यहाँ से आपको पैसे मिल रहे होंगे, यकीन मानिए मैं यहाँ से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। और मुझे मेल इतना आता है ना कि ये वीडियो एडवर्टाइज कर दो $1,000 मिल जाएगा, ये वीडियो एडवर्टाइज कर दो $1,000 मिल जाएगा। मैं किसी भी चीज़ का यहाँ पर एडवर्टाइज करना नहीं चाहता हूँ, यहाँ वही चीज़ होगा जो समाज के भले के लिए हो। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का लेक्चर लेता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं कि पैसा कमा लूँ, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना समाज से, लगता है कि इसका जवाब दे देंगे तो किसी न किसी को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। आपको इसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कुछ और जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप फ्रेश SIP इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टर हैं, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।